नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी खंड शिक्षा अधिकारी के जीएस का जो प्रश्न आएगा, लोगों को उसमें बड़ी कन्फ्यूजन है। तो हमने सोचा कि 2-3 वीडियो के माध्यम से किसी एक विषय का 50-50 क्वेश्चन, लगभग 50-50 टर्मोलॉजी आपको बना के दें, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। जैसे कि आज जो हमारी क्लास होगी वो संविधान की होगी, उसके बाद संविधान के हमारे 2 लेक्चर्स और होंगे जहाँ पर राष्ट्रपति को लेते हुए उसके अलावा जो मूल टर्मोलॉजीज होती हैं, जैसे नए नए शब्द आते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरीक्षण, इस तरह के शब्द भी हम बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ऐसे ही 2 क्लास हमारी भूगोल की होगी और 2 इतिहास की होगी, विज्ञान की होगी, पर्यावरण की होगी, जिससे आपको कोई समस्या ना हो पाए। बाकी जो ऐसे चल रहा है वो 20 तारीख के पहले हम कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम के पहले। आत्मनिर्भर भारत पढ़ाना है और भारतीय साहित्य एवं समाज के बारे में बताना है, तो ये दोनों निबंध और हम कराएंगे। वैसे जितना हमने निबंध 6-7 टॉपिक बताया है, कोशिश ये है कि उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, हम लोग जो बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है, इसके मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में आपको पता ही होगा कि जीएस का पेपर जो है पहला, और दूसरा क्या है, दूसरे में हिंदी है, हिंदी के साथ में ऐसे राइटिंग भी है कन्वेंशन, और इसमें क्या इसी हिंदी में ऐसे के साथ साथ और क्या है, पत्र लेखन वगैरह है। तो ये सब आप देख ही रहे होंगे, ये पोर्शन हमने कंप्लीट करा दिया है। अब ये जीएस का जो 200 नंबर का है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसके बारे में चर्चा करेंगे जीएस के किसी भी प्रश्न पत्र से, और क्या कहते हैं, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, इन सब खंडों से लेके क्वेश्चन पूछ सकता है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा या दीर्घोत्तरी टाइप का पूछेगा। तो वो सारी चीज़ें हम कवर कराने का प्रयास आपको करेंगे। जैसे हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की टर्मोलॉजी बताएंगे आज, ठीक है, या कह सकते हो भारतीय राज व्यवस्था की बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण लगेगा वो हम 1-2 क्लास में, 3 क्लास में आपको पूरा कवर कराने का प्रयास करेंगे। जैसे भारतीय संविधान को पढ़ोगे तो सबसे पहला शब्द क्या आता है, पहला ही शब्द आता है कि संविधान क्या है, ठीक है। अब चीज़ों को पूछ सकता है एग्जाम में कि आप 25 वर्ड या 50 वर्ड लिखने के लिए, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे। देखो, लिखने का प्रयास करो, कहीं से रटने का प्रयास मत करो, कहीं कुछ लिखा है तो उसका भी क्या कहते हैं शोषण करो वहाँ से, कि हम और चीज़ों को अलग अलग जगह से कैसे लिख सकते हैं। अगर पहली लाइन हम इस पर लिखने के लिए बोलें आपको, तो पहले ही आप लिखिए संविधान क्या करता है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है, हुआ ना 10 वर्ड। अब सीखो लिखना, पहले क्या करता है ये, आपके स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, और इसके आगे लिखना चाहो तो यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है। सुनते चलना, कोशिश करना, लिखते चलना। यह सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक क्या होता है, संविधान होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जनता पर शासन किया जाता है, ठीक। यह सरकार के मुख्य अंग की व्यवस्था करता है। मुख्य अंग की व्यवस्था कौन कौन सी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर उसके आगे इतना हो गया लगभग, मुझे लग रहा 50 तो हो ही गया होगा। और आगे अगर इसको एलाबोरेट करना है तो संविधान उन कानूनों या नियमों का समूह होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता को क्या करता है, शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है, कि सत्ता की शक्ति का वितरण और प्रयोग क्या होना चाहिए। और अगर इसके बारे में अगर दीर्घोत्तरी पूछ ले तो उसमें आप इन चीज़ों को बढ़ा सकते हो कि भारत के संविधान में ये चीज़ें दी गई हैं, भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, इसमें मूल अधिकार दिया गया, DPS भी दिया है, तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ा सकते हो। वहीं पर आप कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को आप बढ़ाते चले जा सकते हो। फिर जैसे दूसरा शब्द आ गया, एक टर्मोलॉजी आपकी कंप्लीट हुई। अब दूसरा अगर आपसे पूछ लिया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पूछ लिया, तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो। याद रखना संविधान क्या है और संवैधानिक विकास, ठीक है, संवैधानिक विकास के बारे में पूछ सकता है तो लिख लो संविधान के बारे में। थोड़ा सा अगर बड़ा पूछे तो, छोटा पूछे तो, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया, ठीक है। इससे भारत विश्व के समग्र गणतंत्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, या भारत गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। हो गया 2 टर्मोलॉजी आपकी कंप्लीट। तो लिखने की शैली ये है, चीज़ों को पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद किस ऑर्डर क्रम में आपको लिखने हैं ये चीज़ जानने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। अब एक टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट लगती है, वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो याद रखना
कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है। वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन इसके बारे में अगर आपको, जैसे किसी ने कमेंट किया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनका मैसेज भी आया था कि सर इस तरह की चीज़ों को बता देना, अगर पूछता है तो लिख सकते हो कि यह भारतीय गणराज्य की कुंजी है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये क्या है? भारतीय गणराज्य की, ठीक है, कुंजी है। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके आगे लिख सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की समस्या हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसी में प्रस्तावना, प्रस्ताव के बाद प्रस्तावना को भी चाहो तो जोड़ सकते हो, या फिर प्रस्तावना के बारे में अलग से पूछे तो उसको आप देख के जाना एग्जाम में। और प्रस्तावना में जो शब्द निहित हैं ये भी चीज़ें अलग अलग से देख लेना। मुझे तो लग रहा है कि ये जो शब्द हैं प्रस्तावना में, उससे मुझे लग रहा है कि एक या दो आपसे पूछा जा सकता है, या चाहे एक ही पूछे। कौन कौन से शब्द हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में आप बुक्स में देख लेना। ठीक है, हम लिखा दे रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये सब देख लेना आप, पंथ निरपेक्ष देख लेना। ठीक है, गणराज्य क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना। फिर न्याय क्या होता है, एकता अखंडता क्या होती है, ठीक है, न्याय एकता अखंडता, ठीक है, इन चीजों को आप देख के जाना। ठीक है, अब अगर संविधान की इतना ओवरव्यू आपके सामने दे दिया हमने, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है? हो सकता है कि पूछ ले राज्य क्या है, राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पूछे तो हम धीरे धीरे सारी चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए राज्य क्या है। ठीक है, राज्य के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखना? राज्य शब्द का अस्तित्व पहली बार कहां पे किया गया था प्रयोग में? इटली के राजनीतिज्ञ, क्या नाम था उनका? मैकियावेली ने किया था। ठीक है, ये लिख सकते हो कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने किया। उस समय राज्य क्या कहते हैं? अस्तित्व में आया। ठीक है, जब ये चीज आया उसके बाद राज्य के प्रमुख तत्व होते हैं, राज्य के लिए जनसंख्या होना जरूरी है, एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है, सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी होनी जानी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आप लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर भूभाग के बारे में थोड़ा सा, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा, और संप्रभुता के बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है राष्ट्र व राष्ट्रीयता में अंतर। ये बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी टाइप, उसमें क्या कहते हैं, अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में बड़ा भी पूछा है, छोटा भी पूछा हुआ है। तो हमने चीज़ों को वहाँ से उठाया कि जो पहले एग्जाम्स होते थे, क्या कहते हैं, लिखने वाले, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते थे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपको पूछे गए, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर देख लेना आप कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है। सबसे पहले राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र लोगों का एक संगठित या व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, राज्य लोगों का, लिखते चलिएगा, राज्य लोगों का संगठित व व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, व्यक्तियों को जोड़ने की एक बड़ी इकाई है। ठीक है, और किस आधार पर? भावना के आधार पर व्यक्तियों को जोड़ने की एक ये क्या है? इकाई है। उसके बाद लिख सकते हो, इससे एक संगठन का विचार आता है कि हम किसी राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए इसके प्रकार के बारे में, आप लिख सकते हो कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं, तो नास्तिक राष्ट्र हो सकता है, उसके बाद सैद्धांतिक हो सकता है, पंथनिरपेक्ष हो सकता है। ठीक है, धर्मों का विरोध, जो क्या कहते हैं, धर्मों का विरोध करते हैं वो कौन से हैं? वो नास्तिक होते हैं, और इसी को राज्य बोल सकते हो कि पंथनिरपेक्ष राज्य कुछ लोग बोल रहे हैं, और नास्तिक राज, पंथनिरपेक्ष राज, सैद्धांतिक राज, अगर इनके बारे में है इसी में एलाबोरेट करके लिख सकते हो कि नास्तिक में क्या है? जो धर्मों का विरोध करता हो, और सैद्धांतिक में क्या होता है? जिससे जिसका अपना विशेष धर्म होता है, जिस राष्ट्र का अपना विशेष धर्म होता है वो क्या होता है? पंथ, वो सैद्धांतिक होता है। जैसे श्रीलंका का अपना विशेष धर्म है तो वो क्या हो गया? सैद्धांतिक राष्ट्र हो गया। पंथ निरपेक्ष में क्या होता है? धर्म के संदर्भ में जो तटस्थ हो,
जिसका कोई अपना विशेष धर्म नहीं हो, जैसे कि भारत। भारत किस में आता है? भारत पंथ निरपेक्ष में आता है, इसलिए हमने टर्मोलॉजी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद पंथ निरपेक्ष बताया, ठीक है। और राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में लिख सकते हो कि क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक भाव है, सांस्कृतिक शब्द है, मनोवैज्ञानिक भाव है। क्या करता है? जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक ही किसके कुल धर्म रीत रिवाज के कारण उत्पन्न होने वाला क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक भाव है कि ये हमारे धर्म के लोग हैं, हमारे जाति के लोग हैं, हमारे रीत रिवाज के लोग हैं, ठीक है। एक राष्ट्रीयता के लोगों की एक भावना होती है, याद रखना, एक राष्ट्रीयता के लोगों की एक ही भावना होती है, ठीक है। उसके क्या होता है, उसमें अपने आप को एक समानता महसूस होती है कि हम लोग समान हैं। तो ये हो गई आपकी राष्ट्रीयता, ठीक है। अब अगर इसके आगे आपको एग्जामिनर पूछ सकता है तो क्या पूछेगा, अब यहाँ से अगर आपका ध्यान हटा तो एक चैप्टर देखा जाए कंप्लीट हुआ किसी तरह। उसके बाद आप नागरिकता पे जाओगे, आपसे पूछेगा कि सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, तो नागरिकता के बारे में भी थोड़ा सा आपको लिखना या जानकारी होनी चाहिए कि हम 20-25 वर्ड कैसे लिख सकें। सबसे पहली बात, नागरिकता, नगर का निवासी। नागरिकता में पहला पॉइंट वो नगर का निवासी हो, व्यापक अर्थ में यही निकलता है ना कि नागरिक है तो नगर का निवासी होगा। लेकिन नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का सदस्य हो, ठीक है, जिसे राज्य का सामाजिक राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, और क्या हो, और 18 वर्ष से ऊपर हो। पंजीकरण नागरिकता का 18 वर्ष के ऊपर के लोगों का होता है, ये भी लिखना जरूरी है कि 18 वर्ष के ऊपर का हो। फिर उसके बाद लिख सकते हो कि भाग दो के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता के प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं। एलाबोरेट करना चाहो तो अगर बड़ा पूछे तो आर्टिकल को डिफाइन कर दो, नहीं पूछता है तो यहीं पे 50 वर्ड लिख के छोड़ दो, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आओगे, फिर इसके बीच में टर्मोलॉजी में कुछ भी नहीं है, आप OCI जो भी है इन सब चीज़ों से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर फिर इसके आगे क्वेश्चन आपसे पूछता है तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ऐसे लिखना, मौलिक अधिकार वह हैं जो संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी हमने पढ़ाया है अच्छे से, आपको पता होगा, एक क्लास लिया था हमने फंडामेंटल राइट का, उसमें हमने सारी चीज़ें बताई थी। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और लिख सकते हो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी हमने बताया है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे एलाबोरेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, यह अधिकार सभी नागरिकों के शारीरिक मानसिक तथा नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये हो गया किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। और अगर लिखना चाहो तो क्या होता है, हो गया नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है, और क्या होता है, जो उचित रहन सहन के लिए आवश्यक है, जैसे इसके आगे फिर इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, इन चीज़ों को क्या कहते हैं लिख सकते हो। या फिर अगर बड़ा पूछे, हाँ बड़ा पूछे तो क्या कहते हैं इसको, इसके आर्टिकल्स को कुछ इंपॉर्टेंट एलाबोरेट कर सकते हो, इससे आपकी वो भी समझेगा कि आप अच्छा लिखो। अगर कोशिश करना कि अगर 50 वर्ड का क्वेश्चन है तो 60 वर्ड 65 वर्ड चला जाए, कुछ आर्टिकल्स को डिफाइन कर देना। अब जैसे इसी के साथ अगर इंक्लूड कर देंगे कि सामान्य अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इसके बाद कि सामान्य अधिकार क्या होते हैं और, ठीक है, समान अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार क्या होता है, जो भी हमने आपको बताया, ठीक है, इसमें अंतर करने के लिए आपसे पूछ ले और 50 वर्ड से प्लस पूछ ले, तो ये भी जानना जरूरी है कि समान अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कम से कम 3-4 पॉइंट आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे समान अधिकार में क्या है और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, मौलिक अधिकार में अगर पहला पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे, संविधान क्या करता है, इसकी भागीदारी ना, या फिर क्या कहते हैं, सुरक्षा का प्रावधान करता है संविधान, ठीक है। लेकिन अगर इसमें सामान्य की बात करेंगे तो संविधान इसके कानून को नहीं बनाता है, सुरक्षा नहीं प्रदान करता है, ये क्या करता है, सामान्य क्या है, कार्यपालिका को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपका ये सामान्य अधिकार होता है ये कार्यपालिका को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये क्या करता है, ये कार्यपालिका विधायिका को सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों को, कार्यपालिका को भी और किसको, विधायिका को। और इसमें क्या प्रावधान है, इसका कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। सामान्य कानून का, सामान्य अधिकार का कानून संसद बनाती है, ठीक है, लेकिन इसका कौन बनाता है, इसका कौन बनाता है, ठीक है, और परिवर्तन कौन करता है, यह भी जानना कि बनाता यह है और परिवर्तन भी क्या करता है,
संसद भी करता होगा, और उल्लंघन पे क्या होता होगा, उल्लंघन पर न्यायिक प्रक्रिया होती होगी, लेकिन यहाँ पे उल्लंघन पर क्या कहते हैं, दंड का प्रावधान भी है, सजा भी दी जा सकती है, और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका सुरक्षा प्रदान परिवर्तन के लिए क्या कहते हैं, परिवर्तन के लिए न्यायालय क्या कहते हैं, संशोधन करता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे लिख सकते हो। इसी में क्वेश्चन अगर इंक्लूड करते चले तो जनहित याचिका एक होता है, देखना जनहित याचिका क्या होता है, ये चीज़ देखना अच्छे से, हो सकता है कि ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है पूछे। जनहित याचिका, इसी को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अगर इसके बारे में पूछे तो क्या लिखोगे, इसके बारे में पूछे तो भारतीय कानून में सीधा लिखना, भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा या मुकदमे का प्रावधान है, ठीक है। भारतीय कानून में क्या कहते हैं, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। इससे यह आवश्यक नहीं, लिख सकते हो कि यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित स्वयं न्यायालय जाके ऐसा करे, यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित स्वयं न्यायालय जाकर ऐसा करे, कोई नागरिक कर सकता है, स्वयं न्यायालय द्वारा ये PIL डाला जा सकता है, या फिर पीड़ित के पक्ष में कोई और भी कर सकता है, उसका रिश्तेदार, उसका संबंधी कर सकता है, ठीक है। और लिख सकते हो PIL भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक है। इतना डिफाइन कर सकते हो, 50 वर्ड इतने में मुझे लग रहा है काफ़ी एनफ लग रहा है, ठीक है। ये भी टर्मोलॉजी किस में आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स में आती है। अगर आपसे पूछे DPSP के बारे में तो क्या लिखोगे, DPSP दे दे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ठीक है। अगर ये आपसे पूछता है तो क्या लिखोगे इसके बारे में, जानकारी थोड़ा बहुत तो होगी। जैसे केंद्रीय या राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए क्या है, ये निर्देश हैं, किसको दिए गए हैं, केंद्रीय या राज्य स्तर की सरकारों को दिए गए ये क्या है, निर्देश हैं। ये सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ये सिद्धांत जो है न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। और इसके क्या लिखते हैं, यह देश के प्रशासन के, ठीक है, यह देश के प्रशासन में क्या होता है, मूल भूमिका निभाता है। जैसे कि यह विचार कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। PT में क्वेश्चंस पूछता है कि DPSP कहाँ से लिया गया, ये भी चीज़ इसमें लिख सकते हो कि यह विचार आयरलैंड से लिया गया है। आर्थिक न्याय की लिख सकते हो आगे, आर्थिक न्याय की स्थापना करना तथा कुछ लोगों के हाथों में जो धन का संचय होता था उसको रोकने के लिए संविधान में इसे क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर इसके बाद अगर इसका डिफाइन करने के लिए और अगर टर्म बड़ा पूछे तो इसी में लिख देना कि कई तरह के होते हैं, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत हैं इसमें, गांधीवादी सिद्धांत हैं और उदारवादी सिद्धांत हैं। जो गांधीवादी सिद्धांत है उसके आर्टिकल को डिफाइन कर सकते हो, 40, 43, 46, 47, 48, ठीक है। नहीं पूछता है, छोटा पूछता है तो आप इतना लिख के एग्जाम में चले जाना छोड़ के, ये क्या कहते हैं, बहुत है 50 वर्ड के लिए। अगर ज़्यादा पूछता है तो आप कुछ आर्टिकल्स को याद करके जाना और डिफाइन कर देना, ठीक है। एक टर्मोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, एक टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। अगर ये आपसे पूछे तो कैसे लिखोगे, समान नागरिक संहिता, इसके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे ये क्या है, समझिए पहले चीज़ों को, कि धार्मिक मान्यता से जुड़े कानून को समाप्त करने के लिए है, और क्या है, और इसकी जगह पर एक समान कानून लागू करना, ठीक है। समान नागरिक संहिता मतलब समान नागरिक संहिता, जो कोड हो, जो कानून हो, वो क्या कहते हैं, नागरिकों के लिए समान हो। इसीलिए क्या लिखा गया, क्या बताया, धार्मिक मान्यता से जुड़े कानून को समाप्त करने के लिए ये सिद्धांत आया, और इसकी जगह पर क्या करना है, एक समान कानून लागू करने की बात की गई, ठीक है। फिर उसमें क्या आया, उसमें लिखा गया कि जैसे भारत के विभिन्न धर्म कानून है ना, भारत में कई धर्म हैं, कई कानून हैं, तो वो उनके अपने अपने धार्मिक कानून हैं, जैसे कोई धर्म है उनके अपने धार्मिक कानून हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को होते हुए ये सिमट कर रह गया, इसीलिए इसे शादी में, तलाक में, संपत्ति या बच्चा गोद लेने, गुजारा भत्ता आदि तक सीमित कर दिया गया, ठीक है। इतना लिख लोगे आपका 50 वर्ड पूरा हो गया, क्योंकि नाम से ही भी स्पष्ट है कि नागरिकों के लिए समान कोड हो, ठीक है, समान न्यायिक संहिता हो, समान
कानून हो। और भारत में अलग अलग तरह के धार्मिक धर्म हैं, कानून है, इसलिए अलग अलग धर्मों के अलग अलग अपने का धार्मिक कानून है, इसीलिए भारत में ये चीज़ें सिमट के रह गई। और कहाँ तक सिमट के रह गई ये चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, उसके बारे में डिफाइन कर लेना कि किस भाग में है, किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक हैं, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये लिख लेना। फिर उसके बाद मेजर क्वेश्चन जहाँ से आएंगे अब इसके बाद से आने शुरू होंगे, राष्ट्रपति के बारे में, उनके ऊपर महाभियोग के बारे में, या फिर इसके आगे न्यायालय के बारे में। अब जो टर्मोलॉजी इसके बाद हमारे दूसरी क्लास में आएगी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, जैसे कार्यपालिका, ठीक है। अगर कार्यपालिका के बारे में पूछता है तो कैसे डिफाइन करोगे कि कार्यपालिका क्या होता है, ठीक है। पहले अपने आप से सोचना पड़ेगा कि इसको हम लिखें कैसे कि कार्यपालिका क्या होता है, मतलब क्या है कार्यपालिका। शासन का अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत कानून और नीतियों को लागू करने का जिम्मेदार होता है, समझे। क्या है कार्यपालिका, शासन का एक अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत कानून और नीतियों को लागू करने का जिम्मेदार होता है। जैसे भारत शासन तंत्र में क्या हुआ, भारत शासन तंत्र में शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया, लिख सकते हो ऐसे ही, भारत शासन तंत्र में शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कार्यपालिका की व्याख्या की गई, कार्यपालिका को लाया गया, ठीक है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के हाथ में होती है, उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। फिर अगर इसके में बड़ा सा क्वेश्चन पूछता है तो इसकी विशेषता लिख देना, इसके प्रकार के बारे में लिख देना, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षतीय व्यवस्था में अंतर पूछ सकता है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे ही पूछे, ठीक है। संसदीय और अध्यक्षतीय, ये दोनों अध्यक्षीय और संसदीय व्यवस्था का डिफाइन करने को पूछेगा, तो ये भी लिखना कि जैसे इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इस व्यवस्था में देश का प्रधान क्या होता है, राज्य होता है, क्या क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में देश का प्रधान राजा होता है और जहाँ पे राजा वाले शासन नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। शक्तियाँ इसके पास जो होता है, जो जैसे राष्ट्रपति जहाँ भी होता है उसके पास शक्तियाँ कैसी होती है, नाम मात्र की होती है, जैसे भारत में, ठीक है। और वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है, और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इसका प्रमुख होता है, इसका प्रधान प्रधानपति प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अध्यक्षतीय वाले में अगर लिखना, आप लिखने का प्रयास करोगे कि इसमें क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हो, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति शक्तिशाली हो जाता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, देश या सरकार दोनों का प्रधान इस व्यवस्था में राष्ट्रपति हो जाता है, ना तो वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और ना क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब इसमें राष्ट्रपति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है और इसमें नहीं है, नाम मात्र का है। इसमें मेन स्वतंत्रता किसको प्राप्त है, प्रधानमंत्री को। अब इससे आसान तरीका आपको इसको समझाने का नहीं मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ोगे कार्यपालिका में, मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना, इसका चुनाव कैसे होता है इनके बारे में डिफाइन कर लेना। जैसे एक इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो आपसे पूछ सकता है, इससे रिलेटेड मुझे तो नहीं लग रहा है, और राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछेगा, ये जो वर्ड पूछेगा महाभियोग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, इंपीचमेंट के बारे में पूछ सकता है। इसमें क्या लिख सकते हो कि ये क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन किए जाने पर उन्हें हटाने की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति को, किसके द्वारा, महाभियोग के द्वारा, क्या करने पर, संविधान के उल्लंघन किए जाने पर, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, फिर अगली क्लास होगी तो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम आपको डिफाइन कराएंगे, और उसके बाद फिर न्यायपालिका की टर्मोलॉजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, या उसके बाद के जो शब्द हैं करंट इशूज में आए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, धीरे धीरे वो बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिनकी डिमांड थी, अगर वो इस वीडियो से सेटिस्फाई हो रहे हैं तब आगे का वीडियो बनाएंगे इस विषय पर, नहीं तो फिर 2 ऐसे पढ़ाने के बाद यहीं पर छोड़ देंगे। और हाँ, भूगोल के टर्मोलॉजीज हम सारे बताएंगे क्योंकि वो हमारा अपना शब्द होता है, वो होता है, क्या कहते हैं, सिलेबस है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर इसके बारे में और आगे लिखना चाहो तो, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बता के छोड़ दिया था, हमने क्या बताया, जैसे राष्ट्र लिखोगे, भूमिका बनाओगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन परंतु वह अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाने की व्यवस्था संविधान में की गई है जिसको महाभियोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि संसद का कोई भी सदन महाभियोग के लिए प्रस्ताव ला सकता है, और सदस्य की जो समस्त संख्या होती है उसका 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव में
साइन होना जरूरी है। उसके बाद फिर इन पे महाभियोग का प्रक्रिया शुरू होता है। फिर अपने बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं कि कहाँ कहाँ जाता है, उसके बाद कौन जांच करता है, कैसे हटाया जाता है, वो चीज़ें अपने आप अच्छे से देख लेना। उसके अकॉर्डिंग जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे वैसे अपना माइंडसेट बनाना, कोशिश करना कि भूमिका कम बना के फैक्ट को ज़्यादा लिखना, मतलब गागर में सागर भरने जैसा प्रयास करना, तब आपको अच्छा नंबर मिलने का प्रयास होगा या फिर वो अच्छा नंबर एग्जामिनर आपको देगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में आप मिलिए, मिलते हैं, धन्यवाद।